देखिए, समाजवादी पार्टी की ये मांग इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका बहुत ही मधुर संबंध इस मठ से है, महंत नरेंद्र गिरी से है। इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि जांच में निष्पक्षता होनी चाहिए, जांच में शुचिता होनी चाहिए, जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए और सिटिंग जज से इस जाँच की निगरानी की जानी चाहिए। हमारे साथ शिष्य हैं जो महंत नरेंद्र गिरी की और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं, वकील हैं। सिटिंग जज से मांग की जा रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं कि इसकी निगरानी की जाए। नहीं, आप सिटिंग जज की बात कर रहे हैं तो विकास दुबे का भी तो कांड किसी जज ने किया था और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई थी, उसका रिजल्ट क्या आया? इसको सीबीआई जांच दे देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं राधिका पाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता हूँ। सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जुडिशियल निगरानी में ये जांच चाहते हैं, लेकिन सीबीआई जांच सारे शिष्य, सारे अनुयायी, सारे संत महात्मा और जुड़े हुए जितने लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। आखिर मोइन, सीबीआई जांच की मांग कल से उठ रही है, जितने शिष्य हैं, जितने साधु हैं, सन्यासी हैं, देश की सबसे बड़ी एजेंसी से जाँच चाहते हैं, तो आखिर कहाँ कितना घोलमाल है इसमें है? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने जो मांग उठाई है वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके महंत नरेंद्र गिरी से बहुत गहरे संबंध थे और अकेले उनके नहीं बल्कि पूरे मुलायम परिवार के जो है बहुत घनिष्ठ संबंध थे। समाजवादी पार्टियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते महंत नरेंद्र गिरी के होते थे। मुलायम परिवार के साथ साथ अगर हम बात करें तो आजम खान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते होते थे। आजम खान जब भी प्रयागराज आते थे तो वो इस मठ में ज़रूर आते थे। और चूँकि जो एक माहौल क्रिएट हुआ है कल से, क्योंकि किसी भी अनुयायी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि महंत गिरी जैसी शख्सियत खुदकुशी कर सकती है, वो चूंकि बहुत कठोर निर्णय लेने वाले थे, बहुत पक्के इरादे के व्यक्ति थे, तो किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। तो सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि पहले से ही विवादों से नाता रहा है, अपने शिष्य के साथ विवाद रहा है, तमाम दूसरे लोगों के साथ विवाद रहा है। तो इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह अखिलेश यादव की ही बात नहीं है, ये सारे लोग इसी तरह की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने यह मांग इसलिए भी उठाई है क्योंकि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने सीबीआई जांच का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एडीजी से लेकर आईजी रैंक तक के अधिकारी इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, मंडलायुक्त भी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सच सामने आएगा और जो भी दोषी होगा, जो भी गुनाहगार होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सामने लाया जाएगा। तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, लेकिन अभी हमें कम से कम चार मंत्री ने कहा है। ठीक है, अखिलेश यादव की बात हो रही है वीरेश, तो ये बताएं कि कब तक पहुंचेंगे अखिलेश? संत परत अखिलेश कब तक पहुंचेंगे वहां पे वीरेश? अखिलेश यादव अब से डेढ़ घंटे के अंदर पहुंचेंगे राजेंद्र, डेढ़ घंटे के अंदर अखिलेश यादव पहुंचेंगे ऐसा माना जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी की जो यूनिट है, प्रयागराज की यूनिट है, आसपास के जिलों की है,